नमस्कार, स्वागत आप सबका नारद टीवी पर। समीर राजदा जी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, इंटरव्यू का ये दूसरा भाग है और आज हम समीर जी से जानेंगे उनके ग्रेट फादर मूल राज राजदा जी के बारे में, जिन्होंने रामायण में मिथिला नरेश जनक की भूमिका निभाई थी, जो कि गुजराती सिनेमा के एक जाने माने अभिनेता, लेखक एवं निर्देशक थे। जैसे कि आप जानते हैं कि रामायण में मेरे पिताजी भी थे, उन्होंने जनक का रोल किया था, सीता माता के फादर का रोल किया था। और मैंने जैसे भी आपको कुछ देर पहले बताया कि मैंने उनकी डेट्स लेने गया था और मुझे भी शत्रुघ्न का रोल मिल गया था। और एक्चुअली ऐसा था कि वो मेरे डैडी एक्टिंग में और वो सब बहुत ही डिसिप्लिन है और वो हमेशा अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में और इतना समझ के काम करते हैं। और उनको जब एक्टिंग का जो टाइम आता है, जब एक्टिंग करते हैं वो, तो वो भूल जाते हैं कि वो मूलराज राजदा हैं, वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। तो मैं जब उनके साथ में, मैंने फर्स्ट टाइम हम लोग ने स्क्रीन जब साथ में वो किया, स्पेस साथ में, स्क्रीन स्पेस हम लोग ने साथ में शेयर किया, तो इंसिडेंट तभी ऐसा था कि हम सब चारों भाइयों की शादी का ये पूरा था सीक्वेंस। तो अब डैडी भी थे तो मैं थोड़ा ऑफकोर्स उनसे, क्योंकि वो डिसिप्लिन थोड़े, मतलब वैसे तो बहुत जॉली थे, कभी डांटते नहीं थे, लेकिन मुझे पता है कि वो अगर मैं कुछ काम में इधर उधर करूँगा या मैं काम ठीक तरह से नहीं किया तो वो थोड़े डांटेंगे, थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो मैं मुझे हमेशा बोलते थे कि जब तू काम करता है तो आजू बाजू सबको भूल जा, तू कॉन्सेंट्रेट कर, अपने काम में ध्यान दे, क्योंकि मैं तभी बहुत मस्तियाँ भी बहुत करता था। तो बोलते थे तू मस्तियाँ कर लेकिन काम के बाद, जब काम तू सेट पे है तो सेट पे तू एक शत्रुघ्न है और तू एक वो है कि चार भाई हैं, आप लोग हैं और वो आपका, तू तेरा कैरेक्टर को समझ के तू कर। और उसके साथ में मुझे डर भी लगता था, थोड़ी नर्वसनेस भी होती थी कि मैं और डैडी हैं, मैंने क्या किया। वो शॉट अगर क्लोज शॉट होते थे तो वो आके देखते थे, बैठते थे सामने कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको, मतलब वो मुझे इशारों से करते थे कि नहीं अच्छा दिया शॉट। फिर मैं उसे पूछता था पैकअप के बाद कि डैडी मैं, मुझे ये अभी सीन है, कल ये सीन की शूट करने वाले हैं, तो मैं ये कैसे करूँ। मैं उसको पूछता था कि मैंने अपना कैरेक्टर बराबर पकड़ा है ना, वो शत्रुघ्न ऐसा ही होता है ना। बोला हाँ ऐसा ही होता है। लेकिन और मुझे सिर्फ एक ही बात थी कि वो बहुत ही डिसिप्लिन है, तो मैं भी उनके साथ में सेट पे भी थोड़ा सा डर भी लगता था मुझे, मैं थोड़ा नर्वसनेस भी मुझे ऐसी अंदर से ऐसी नर्वस होता था मैं, तो मैं बहुत ही संभलता था। जब वो सेट पे आते थे और हम लोग का एक वो मुझे पूछते थे कि यार समीर तू मुझे ये बता कि ये शॉट है मेरा, मैंने कैसे दिया। तो मैं बोलता था क्या डैडी आप मजाक कर रहे हो मेरी, आप तो इतने बड़े अच्छे कलाकार हैं, मंझे हुए कलाकार हैं और आप तो इतना अच्छा काम करते हैं। तो बोला नहीं नहीं फिर भी अच्छा, वो बात नहीं है कि मैं अच्छा काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा फील होता है कि तू मुझे बता कि अगर मैंने जो किया वो मैंने अच्छा शॉट दिया, मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे थे कि नहीं, वो सब मुझे पूछते थे और मैं उनको पूछता था, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटा था उनके सामने हर उसमें। तो मैं उनमें ये नहीं बताता था कि आप एक्टिंग ऐसा मत करो, आपने ये बराबर नहीं किया, क्योंकि वो मैं बोल ही नहीं सकता था। जैसे आप सब जानते हैं कि उन्होंने रामायण में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना किरदार को निभाया था, तो मैं उन्हें सिर्फ बोलता था नहीं डैडी अच्छा दिया, मुझे बहुत मजा आया। मैं हमेशा वो जब उनके सीन चलते थे, उनका शॉट चलता था, मैं हमेशा उनको ऑब्जर्व करता था कि डैडी ये सीन कैसे करते। और मैंने उनसे बहुत सीखा ऑन स्टेज रामायण के वक्त, बहुत सीखा कि इमोशंस कैसे लाना, वॉइस मॉड्यूलेशन, जब वो रोने लगते थे और रोने का सीन था, इमोशनल सीन होता था, तो वॉइस कैसे अपने को वो करने का, मैनिपुलेट करने का, तो वो सब उनसे बहुत सीखा मैंने तभी, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं उनसे वाकई में वो एक्चुअली गुरु भी, मैं उन्हें गुरु मानता था और अभी भी मानता हूँ, वो है नहीं फिर भी, लेकिन वो मेरे लिए वो बड़े आदरणीय हैं और हमेशा मुझे हेल्प किया। हर जब भी मैं कहीं भी एक्टिंग करके आता था, मेरा प्ले देखने आते थे, तो हमेशा मुझे गाइड करते। जब आप एक्टिंग के क्षेत्र में आए थे तो उस समय आपके पिताजी गुजराती सिनेमा के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और राइटर थे, इसके साथ साथ वे हिंदी फिल्म जगत में सक्रिय थे, तो उन्होंने आपकी अभिनय में कैसे मदद की, आपने उनसे क्या क्या सीखा? जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब मैं छोटा सा था तब मैंने हमेशा अपने डैडी को एक्टिंग करते हुए देखा है,
और बहुत सारी गुजराती फिल्म उन्होंने लिखी है, बहुत ही सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली सुपर डुपर हिट फिल्म्स गुजराती उन्होंने लिखी है, फिर बहुत सारी गुजराती फिल्म के वो डायरेक्शन भी कर चुके हैं, और रामायण में भी थे वो, विक्रम बेताल में भी थे, दादा दादी की कहानियाँ जो सीरियल आती थी उनमें उसमें भी थे। तो मैं हमेशा उनको ऐसा था कि हमेशा उनको देखने जाता था, उनकी फिल्में देखता था। गुजराती फिल्म का जब प्रीमियर शो होता था तब हम लोग जाते थे, उनके साथ में मैं शूटिंग में चले जाता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसल तोरल मेरी सबसे पहली फिल्म थी, तो वो उनके साथ में मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। डेडिकेशन कि भाई आप अपना डेडिकेशन कैसे और फोकस कॉन्सेंट्रेशन कैसे, सीन को किस तरह से करना, सीन क्या है पहले सीन को अच्छी तरह से समझना, इमोशनल सीन है तो कैसे हो सकता है, गुस्से वाला सीन है तो कैसे हो सकता है, तो वो बहुत कुछ टिप्स उन्होंने मुझे दी और मैं उनसे बहुत सीखा। सबसे पहले तो डिसिप्लिन, दूसरों की तरफ आदर से बात करना, हर कैरेक्टर है, हर कोई छोटा बड़ा कोई होता नहीं है, और हर कैरेक्टर अपने अपनी जगह पे सब इक्वल होते हैं, तो और सबको प्यार मोहब्बत से बात करना, उनसे ये सब कुछ भी बहुत सीखा मैंने कि कैसे अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना, और हमेशा मुझे वो अच्छी बातें सिखाते थे। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं मूलराज राजदा का लड़का हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फादर, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। घर में भी जब थे तो वो घर का माहौल भी ऐसा था कि हम लोग एक्टिंग की फिल्मों की बात ज़्यादा नहीं करते थे, हम लोग नॉर्मल फैमिली थे, तो उनका घर में भी हंसी मजाक चलते रहता था। ही वॉज बहुत जॉली थे वो सबके सबके साथ में वो हंस बोल के बात करते थे। तो वो मैंने उनको स्टडी किया, उनको ऑब्जर्व किया कि नॉर्मल लाइफ में ये कैसे हैं बंदे, इंसान कैसे हैं, सेट पे कैसे हैं, और सेट में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में ये कैसे वो प्यार मोहब्बत से सबके साथ में बात करना, बहुत कुछ सीखा। एंड मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ उन्हीं को गुरु मानता हूँ, वो मेरे गुरु हैं बस। समीर जी, जैसा कि ऊपर जिक्र हो चुका है कि आपके पिता एक्टर होने के साथ राइटर और डायरेक्टर भी थे, तो क्या आपके मन में ये कभी इच्छा नहीं हुई कि आप भी उनकी तरह लेखन और निर्देशन में हाथ आजमाएं? ये आपने जो सवाल पूछा है वो थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, लेकिन हाँ मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं भी कुछ लिखूं। और फिलहाल तो मैंने एक छोटी सी एक कहानी लिखी है, कुछ 10-15 मिनट की है, जो अभी जो चल रही है देश की हालत है, जो सबकी पूरे वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उसके पे, कोरोना वायरस पे एक मैंने छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, वो बहुत ही जल्द मैं शूट करने वाला हूँ, और खुद ने लिखी है। तो मुझे पहले भी जैसे अभी ऐसा था कि मैं डैडी लिखते हैं तो कैसे लिखते होंगे, उनके दिमाग में ये थॉट कैसे आते होंगे, वो क्या समझ कर लिखते होंगे। तो मैं तभी ऐसा मैं बहुत सोचता था कि यार काश के मुझे मेरे डैडी जैसा थोड़ा सा दिमाग मिलता तो मैं राइटिंग में भी अपना ये, लेकिन मैं पता नहीं मेरा कंसंट्रेशन उस हिसाब से मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसा हूँ कि एक जगह पे मैं टिकता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सोच के मैं नहीं, बस मेरे दिल में ये है वो है मैं फटाफट, लेकिन वो सोचना पड़ता है उसके लिए, लेकिन मैं वो सोच नहीं सकता, वो एक्सप्रेस करना और उसको एक्सप्रेस करते हुए उसको शब्दों में लिखना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी मैंने अभी ट्राई की। जैसे अभी बताया मैंने कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो ट्राई की है, होपफुली अभी उसकी शूटिंग बाकी है, वो शूट करके मैं यूट्यूब पर देने वाला हूँ। और ये कि मैंने डायरेक्शन की है, मैंने मेरी 2-3 गुजराती प्ले की मैंने डायरेक्शन की है, तो वो मुझे अच्छा भी लगता है, डायरेक्शन करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी मैंने उनसे ही सीखा। वो बहुत बार मुझे ऐसा बोल रहे थे कि समीर यार तू लिख, मैं हूँ ना, तुझे गाइड करूँगा, तुझे मदद करूँगा, और कभी कभी मुझे ऐसे सिचुएशन देते थे कि यार ये सिचुएशन है अभी तू क्या लिखेगा, तो मैं बोलता था कि डैडी यार मैं तो नहीं लिख सकता, मेरे में इतना दिमाग नहीं है आपकी तरफ, तो वो हंसते थे, तो बोले नहीं मैं भी ऐसे ही सीखा, वो सोचना सोच सोच सोचते सोचते तू लिख, तभी उनकी बातें मुझे अभी समझ में आई कि हाँ कुछ अभी जो मैंने लिखा है वो इतना बुरा भी नहीं लिखा है,
मैंने सोच के मतलब बहुत ही कट टू कट और बहुत ही इजी उसमें जो सबको समझ में आया, इजी लैंग्वेज में मैंने वो लिखा है। होपफुली शायद सबको पसंद आएगा एक बार उसकी शूटिंग हो जाए तो।